हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा मंचा रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च का अचार। तो यहाँ पे ये मेरे पास मोटी वाली लाल मिर्च है, ये देखिए, ये तकरीबन 200 ग्राम लाल मिर्च है जिसे मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके इसे 3 से 4 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये बहुत बढ़िया से ड्राई हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसका अचार बनाने के लिए अब मिर्ची को आप या तो स्लाइस में कट कर ले या फिर आप साबुत मिर्ची में चीरा लगा के आप मसाला भर सकते हैं, दो ऑप्शन है इसमें। तो ये बेसिक मसालों के साथ ही हम अचार बनाएंगे। कुछ मसालों को हमें अभी भूनना होगा और इसके बाद मिक्सी में हम उसे ग्राइंड करेंगे और कुछ मसालों को हम ऐसे ही ऐड करेंगे। चलिए चलते हैं किचन में और अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिएगा 3 टेबलस्पून जितना सौंफ या वरियारी और 3 टेबलस्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून मेथी दाना, काली वाली सरसों और पीली वाली सरसों, 1-1 टेबलस्पून लेंगे। साथ ही साथ 1.5 चम्मच नमक, 2 टीस्पून हम लेंगे अमचूर पाउडर और 2 तरह की हम लाल मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून 1 टीस्पून, मतलब 1-1 चम्मच हमको लाल मिर्च पाउडर लेना है, कश्मीरी एंड सिंपल वाला। साथ ही साथ 1 टीस्पून काली मिर्च ली है मैंने, 1 टीस्पून ही कलौंजी एंड थोड़ा सा हींग लेंगे। अभी ये जो मिर्ची है पूरी तरह से ड्राई हो गई थी हमारी, तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में से कट कर लेंगे। अब मिर्ची को कट करने के बाद फ्रेंड्स आधा घंटा हमें इसे सूखने देना है, या तो आप धूप में रख लें या फिर पंखे के नीचे से सूखने दें। इसके बाद एक पैन ले लेंगे, मोटे तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं आप, और कुछ मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो साबुत धनिया, सौंफ, जो सरसों हमने दोनों प्रकार की ली थी, और इसके साथ ही मेथी दाना भी इसमें ऐड कर लेंगे और काली मिर्च ऐड कर लेंगे। इन मसालों को हमें 1 से 2 मिनट भूनना है। यहाँ पे हमें मसालों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हल्के से मसाले ये गर्म हो जाएं तब हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे। अभी मसालों को हमें पूरी तरह से ठंडा करना है और इसके बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो जब मसालों को ग्राइंड करें तो दरदरा हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। तो ये मसाला हमारा पीस के तैयार है। और ये जो मिर्ची है इसे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे और इसके बाद हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो जो मसाला हमने पहले पीसा था अभी मिक्सी में, वो पहले इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे कलौंजी, साथ ही साथ इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे, फ्रेश नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी हम सरसों का तेल गरम कर लेंगे। तो एक बड़ा सा तड़का पैन ले लेंगे और 5 टेबलस्पून जितना सरसों का ऑयल हम यहाँ पे गरम करेंगे। अच्छे से गरम करने के बाद हम तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे और तेल ऐड करने से पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और ऊपर से तेल को ऐड कर लेंगे। अभी बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स लाल मिर्च का अचार हमारा बनके बिल्कुल तैयार है।
आप इसे टेस्ट भी कर लें। और जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तो एक कांच के जार में हम इसे भर लेंगे। अब भरने के बाद ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना, मतलब गरम किया हुआ थोड़ा सा ठंडा ऑयल, एक टेबल स्पून जितना मैं ऑयल और ऊपर से ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लाल मिर्च का बहुत ही खट्टा, चटपटा और बहुत ही टेस्टी अचार हमारा बनके तैयार है। और इस तरह से अचार आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।